Assalamu alaikum students, welcome to your class 3. I am here to teach you the grammar 3. Our first unit is nouns, proper noun, common noun and collective. I am going to teach you first noun. What is noun? All things that we see around us have names. Jitni bhi cheeze hum log dekhte hain unke names hain. नाउन क्या है बेटा? एक ऐसा अल्फाज है जो हम किसी भी पर्सन के नेम के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एनिमल के नेम के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी थिंग के नेम के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? नाउन्स कहलाते हैं. फर्स्ट कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे जो हम जर्नल्स नेम पे अ नेम विच वी गिव इन जर्नल टू ऑल पर्सन, यानी कि जो हम जर्नली किसी भी पर्सन को नाम दें या प्लेस को या कोई भी चीज़ को कोई नाम दें, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल सिटी, हॉस्पिटल, तो ये क्या है बेटा? जर्नल नेम्स हैं. द नेम विच वी गिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन. अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रही हूँ, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा हमारे पास? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिटी. सिटी क्या है? जर्नल नेम है, तो वो क्या है हमारे पास? कॉमन नेम है. लेकिन जब मैं स्पेसिफिक उसका नेम मेंशन कर दूंगी, फॉर एग्जाम्पल कराची, तो कराची क्या है? सिटी का नेम मेंशन कर दिया मैंने पर्टिकुलरली, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? प्रॉपर नाउन. अगर मैं पर्सन का नेम मेंशन कर रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अली, तो अली क्या है हमारे पास बेटा? एक मैंने अली का नेम मेंशन कर दिया है, तो अली क्या कहलाएगा हमारे पास? प्रॉपर नाउन है. अगर मैं किसी भी थिंग की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल येलो चेयर, तो येलो चेयर मैं बता रही हूँ कि चेयर्स तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक करके उसका पर्टिकुलर नेम बता रही हूँ, येलो चेयर. आई एम टॉकिंग अबाउट द येलो चेयर. तो येलो चेयर क्या है बेटा? इट इज अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, फॉलोड बाय अ स्मॉल लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल रिदा, कामरान, जॉन, तलहा एंड सलीम. लुक एट हियर, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जाम्पल. फर्स्ट पिक आउट This is the exercise. Pick out the nouns from the following sentences and point out whether they are proper or common noun. यहाँ पर आपको इस exercise में बताना है कि कौन से proper noun हैं और कौन से common noun हैं. For example, the name of my brother is Faraz. क्या है? तो यहाँ पर name क्या है बेटा? Name mention कर, name क्या है? Common noun है. और brother, brother भी common name है, लेकिन यहाँ पर मैंने specific name mention कर दिया है, Faraz. तो फराज क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है. फॉर एग्जाम्पल शाहजहान बिल्ट द ताज महल फॉर हिज वाइफ मुमताज महल. तो शाहजहां क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है. ताजमहल क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है. वाइफ क्या है? कॉमन नाउन. अली बाबा फाउंड अ केव फुल ऑफ ट्रेजर्स. अली बाबा ने क्या एक गार तलाश किया जिसमें बहुत ज़्यादा खजाना था. तो अली बाबा क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया उसका नेम, अली बाबा. केव क्या है? एक गार है, उसकी बात करें तो केव यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा? कॉमन नाउन है. ट्रेजर भी क्या है? कॉमन नाउन है. ट्रेजर के बारे में बताया नहीं कि कौन सा है, इसीलिए क्या है? कॉमन नाउन. मैनी विजिटर्स केम टू दिस सिटी इन विंटर. बहुत सारे विजिटर्स आते हैं विंटर में इस शहर में. अब विजिटर्स क्या है बेटा? कॉमन नाउन है. सिटी क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है. विंटर क्या है हमारे पास? अब यहाँ पर सीजन को पर्टिकुलर बता दिया गया है कि कौन से सीजन की बात करें, विंटर सीजन की बात करें. वैसे अगर मैं सीजन नाम लूँ तो सीजन क्या है बेटा? वो कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने सीजन का मेंशन कर दिया कि कौन सा मौसम है, विंटर. तो विंटर क्या हो गया बेटा हमारे पास? प्रॉपर नाउन है. अफरीदी इज अ ग्रेट क्रिकेटर. अफरीदी नेम मेंशन कर दिया गया है, इट्स मीन वी कॉल इट प्रॉपर नाउन. ग्रेट क्रिकेटर तो बहुत ग्रेट क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर के बारे में मेंशन नहीं किया, तो क्रिकेटर का बताया गया है, तो ये क्या हमारे पास? कॉमन नाउन है.
द मैच विल बी हेल्ड ऑन मंडे. मैच कब होगा? मंडे को होगा. तो मैच क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन. और मंडे को होगा, यहाँ पर डे मेंशन कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डे की बात करूँ तो बेटा डे क्या होगा हमारे पास? वो कॉमन नाउन है, लेकिन डे मैंने मेंशन कर दिया कि कौन से दिन होगा. मंडे को होगा, तो मंडे, मंडे क्या है? मंडे इज अ प्रॉपर नाउन. आवर स्कूल इज नाउ क्लोज्ड फॉर ईद. हमारा स्कूल क्या है? बंद है ईद के लिए. तो स्कूल क्या है बेटा? स्कूल क्या है? कॉमन नाउन. और ईद क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन. हैव यू बोरोड एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी? क्या है बुक? क्या है बुक? क्या हमारे पास? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी बुक का नेम मेंशन नहीं किया. लाइब्रेरी है, वो भी क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है, क्योंकि हमने लाइब्रेरी का नेम मेंशन नहीं किया. लाइब्रेरी तो बहुत सारी है, सिर्फ हम लाइब्रेरी मेंशन किया है, तो यहाँ पर ये क्या है? कॉमन नेम है. द बर्ड्स हैड बिल्ट देयर नेस्ट इन द ट्री. बर्ड्स क्या है बेटा? किसी स्पेसिफिक बर्ड का नाम नहीं लिया, तो बर्ड्स है. तो बर्ड्स क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है. नेस्ट्स क्या है? कॉमन नाउन है. ट्री भी क्या है? कॉमन नाउन है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट क्या है बेटा हमारे पास? माउंटेन है, तो माउंट एवरेस्ट का प्रॉपर नेम बता दिया गया है, तो ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर नाउन. माउंटेन क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है. वर्ल्ड भी क्या है हमारे पास? कॉमन नाउन है. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या कहलाता है बेटा? ग्रुप, जिसमें हम ग्रुप्स की बात करते हैं. ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ पर्संस क्या कहलाता है? जिसमें हम कलेक्शन की बात करें, बहुत सारे लोगों की बात करें, तो हम क्या यूज करते हैं उसमें? क्राउड. फॉर एग्जाम्पल आर क्लास इज मेड अप ऑफ मैनी स्टूडेंट्स. एक क्लास है, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट है, तो हमने उसको नाम क्या दे दिया? क्लास का. तो आवर स्वैम इज मेड अप ऑफ मैनी इंसेक्ट्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो उनको क्या नेम दे दिया? स्वैम्स. आवर हट इज मेड अप. हट किसको कहते हैं बेटा? जब बहुत सारे डंकीज हों, डियर्स हों, एलिफेंट्स हों, या फिर काउज हो गए, बैफेलोज हो गए, तो इनको क्या नाम हम कॉल करते हैं? हट. ये कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? ग्रुप. ग्रुप ऑफ पीपल एंड ग्रुप ऑफ पर्सन एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स. क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल हेयर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स. क्राउड हो गया हमारे पास, फ्लॉक, बंच, फैमिली, टीम, आर्मी. क्राउड जहाँ पे बहुत सारे लोग हो तो वो क्या कहलाता है? क्राउड. फ्लॉक हो गया हमारे पास, बंच हो गया. फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, तो बहुत सारी कीज हैं, तो हम क्या कॉल करेंगे? बंच. फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बट वी कॉल इट कलेक्टिव नाउन इज फैमिली. टीम, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वी कॉल इट टीम. आर्मी, आर्मी क्या है बेटा? मैंने आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिव नाउन में क्या यूज करते हैं? आर्मी. ग्रुप, ग्रुप कोई भी ग्रुप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पीपल्स होते हैं, लेकिन हम ग्रुप कॉल करते हैं. क्लियर?